हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। एक और बुरी खबर यहाँ सामने आई है। एक मशहूर हस्ती ने हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। जी हाँ, हॉलीवुड के फेमस विलन हेनरी सिल्वा का 95 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। हेनरी ने हमेशा गैंगस्टर और विलन के अपने हर किरदार को बखूबी निभाया। हेनरी को मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन कंट्री हाउस एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हेनरी के बेटे स्कॉट सिल्वा ने उनके निधन की खबर दी। हेनरी सिल्वा हॉलीवुड में कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पसंदीदा विलन थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हेनरी ने 1963 में आई जोनी कुल में एक हथियार की भूमिका निभाई। 1981 में आई बर्ट रेनॉल्ड्स की शरकेश मशीन में एक ड्रग एडिक्ट थे। 1998 में आई फिल्म द लॉ में भ्रष्ट CIA की भूमिका में थे। इसके अलावा हेनरी ने सुपरमैन और बैटमैन में कुख्यात बैन को अपनी आवाज़ दी। एक इंटरव्यू के दौरान हेनरी ने एक बार कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया जो वो पहले किसी फिल्म या सीरीज में निभा चुके हों। हेनरी अपने काम को लेकर कमिटेड थे। उनकी यही बात उन्हें दूसरों से बेहद अलग बनाती थी। इसी कारण से उन्हें इंडस्ट्री में काफ़ी पसंद किया जाता था। 1926 में हेनरी ब्रुकलिन में जन्मे थे। उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जिसने हेनरी को एक बेहतर विलन बनने में मदद की। हेनरी ने अपने करियर की शुरुआत बॉडरेव एवं लेटर से की। 1990 के दशक के अंत तक उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरीज में काम करना शुरू कर दिया। अल्फ्रेड हिचकॉक और प्रेजेंट एंड स्पाइसेस में हेनरी के किरदार ने उनके करियर को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। एक इवेंट के दौरान हेनरी ने बताया था कि उनके फैंस उनसे कितना प्यार करते थे। हेनरी ने बताया कि एक बार ट्रैफिक में उनके फैंस ने चिल्लाकर बताया था कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। द ओरिजिनल ओसेन इन वेल में हेनरी ने रॉबरी गैंग के मेंबर की भूमिका निभाई थी। इसके रीमेक डैडी ओसेन में हेनरी ने कैमियो किया था। 1970 में हेनरी का करियर तब उड़ान भरी जब उन्होंने अपराध और गैंग पर फिल्में की। उस वक्त ये टॉपिक चर्चा में थे। एक इंटरव्यू के दौरान हेनरी ने बताया था कि कैसे उन्होंने इतने सारे विलन के किरदारों को निभाया जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका करियर आखिरी तक उड़ान भरता रहा। हेनरी आज भले हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके फैंस के दिलों में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। अपनी राय जरूर दीजिए और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 लाइव।